नमस्कार, आप सभी का स्वागत है क्रिश्चियन यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपका नियम हो गया था सात, अभी आठवां नियम है नाव का नियम। नाव का नियम में क्या है कि जैसे ता का नियम था बिल्कुल वैसा ही है, बस इसमें क्या है नीचे आने वाले व्यंजनों में किस तरह लगेगा हुक बाई तरफ, आगे जाने वालों में दाई तरफ, ऊपर जाने वालों में बाई दाई तरफ, टेढ़े व्यंजनों में अंदर तरफ। इसमें डैश नहीं लगता, ये आपको विशेष ध्यान देना है। जैसे हम लिखते हैं गठन, अब आप देखें कि लास्ट में आ रहा है ना, तो गा बनाया, ठा बनाया और ना आ गया, तो नीचे आने वाले व्यंजन में क्या बताया था, बाई तरफ, तो बाई तरफ लगा दिया, ठीक है ना। जैसे लिखते हैं पन या कुछ हो, जैसे घन, तो अब घा आगे जाने वाला कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ, ना का हो, ठीक है ना। अब इसमें देखना है कि यदि बीच में आए, शब्दों के बीच में ना आए तो हम क्या करते हैं, नाकों को लगा देते हैं, चाहे सीधा व्यंजन हो चाहे टेढ़ा व्यंजन हो, ठीक है ना। जैसे लिखा बंद, तो बंद आप देखें नाकों का आगे बीच में, तो नाका लगेगा बाईं तरफ, लास्ट में क्या आ गया दा, तो दा वहीं से घुमा देंगे हम, ठीक है ना। जैसे लिखते हैं जनता, तो जनता, अब जनता में आप देखें ना बीच में है, तो जनता, सिंपल है। बस आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि ता और ना उक में कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना। बायां दायां का बिल्कुल विशेष ध्यान रखें। यदि प्रारंभ में ना आए, अभी तो कहां था बीच में, अब प्रारंभ में, प्रारंभ में ना आने पर नबी क्या करते हैं, हम ना पूरा बनाते हैं। जैसे ता का नियम तो बिल्कुल वही है सब कुछ, बस इसमें हुक का अंतर हो गया, नहीं तो सब कुछ पूरा टोटली वही है, ठीक है ना। जैसे हम लिखते हैं निष्ठा, अब निष्ठा आप देखें ना शुरू में आ गया निष्ठा, ठीक है, दूसरा हो गया। अब आते हैं अंत में, अभी क्या था बीच में प्रारंभ में, अब कहाँ आ गए अंत में, ना आए, और ना पे क्या है मात्रा आए, तो ना क्या लिखते हैं हम पूरा लिखते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे भावना, ठीक है, अंत में ना आ गया, ना पे क्या आ गई पहले स्थान की मात्रा है, कोई सी मात्रा आए तो ना हम पूरा लिखते हैं भावना, या लिखते हैं जमाना, जमाना में भी लास्ट में ना पे मात्रा आ रही, हमने पूरा लिखा, ठीक है ना। यदि अब आते हैं क्रिया शब्द पे, क्रिया शब्द में ना कैसे लगाना है, यदि शब्द क्रिया हो तो हम उसमें क्या करते हैं नाकों को लगा देते हैं, मात्रा नहीं लगाते। जैसे हम लिखते हैं देखना, देखने या देखनी, क्या करेंगे हम इसमें नाकों लगा देंगे, ना की मात्रा नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। जैसे लिखते हैं रखना, रखने, रखनी, क्रिया के क्रिया शब्द में इस तरह देखना, करना, खाना, पीना, जहाँ क्रिया हो रही हो वो हम नाकों को लगा देंगे और सेंटेंस अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। जब डिक्टेशन स्टार्ट होगी आपको क्लियर कर दिया है कि आपको पढ़ना कैसे, समझना कैसे, ठीक है ना। ये आपका आठवां नियम कंप्लीट हो गया है, इसके वर्ड जो है वो बता देते हैं आपको। जैसे अभी आपको काफ़ी टीचर हैं जो आपको क्लास दे रहे हैं यूट्यूब पर या और भी अदर जगह, तो अब जैसे कि जो फ्री क्लास चल रही है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेने की कोशिश करें, जैसे कि और ऐसा रहता है कि जैसे एक्टिव बने रहें, जैसे कि थोड़ा बहुत अगर आप जो टीचर चला रहा है या यूट्यूब चल रहा है आपको फ्री क्लास मिल रही है तो आपको उसमें थोड़ा सा अगर आप उसको जानकारी दे दें, जैसे कि आपको और क्या चाहिए, क्या रूल चाहिए, या कोई किसी प्रकार की जानकारी अगर आप देते हैं तो इसमें क्या है दोनों का ही अच्छा है, आपको सीखने मिलेगा
और सामने वाला टीचर तो अपना 100% दे ही रहा है, समझ रहे ना। और क्या है, लेकिन उल्टा होता है, जहाँ पेमेंट में क्लास चल रही होती है वहाँ आप ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं। पेमेंट में ज़्यादा फोकस मिलना सब कुछ यही है, लेकिन हम पेमेंट्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई अलग अलग होती है, पढ़ाई सब एक जगह एक जैसी होती है बस। लेकिन क्या है कि कोशिश आप अच्छी करें, है ना, पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दें। और डिक्टेशन का है, डिक्टेशन पे पूछा भी गया था कि 160 140 डिक्टेशन चाहिए, 140 पे तो आ गया कमेंट कि हाँ 140 डिक्टेशन उनको चाहिए, 160 पे कोई कमेंट नहीं है तो उसको हटा दिया जाएगा। ऐसे 120 का पूछेंगे अभी, जिस जिस पे कोई कमेंट नहीं आता है उसको हटा दिया जाएगा। ये आप एक बार देख लेना, क्लियर कर लेना, है ना। देखते हैं ना का नियम, सन डन। इस पे ये ध्यान रखना, रूल वालों को ध्यान नहीं देना डिक्टेशन वाले, ये तो सिर्फ डिक्टेशन वालों के लिए जानकारी है, जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए जानकारी दी है ये। और जैसे कि जो रिवीजन वाले हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे होंगे जल्दी, लेकिन जो शुरुआती कर रहे हैं वो अपनी जानकारी दें, जैसे कि और जो सिंपल तरीका आपको बता सके, क्योंकि रिवीजन चल रहा है। रिवीजन में क्या होता है कि पहले से आ चुका है तो आपको सिर्फ एक साइड से पूरा बता दिया जाता है, टाइम कम लिया जाता है ना। इसके बाद लिखते हैं वन इज, कनेक्ट, चूना दानी, तानना, लनर, रनर, कामना, रखना, खोलना, मिलना, लड़ना, मारना, पीटना, रोना, दमन, नेशन, निशान, खेलना, तनिक, ठीक है ना। ये आपके वर्ड हो गए हैं, इसके वर्ड आपको बनाना है, ठीक है ना। इसमें एक जानकारी और दे देते हैं आपको, ये रोल तो कंप्लीट हो चुका है आपका। आईटीआई संबंधित, जैसे कि ज़्यादातर पूछने वालों में है कि जो एग्ज़ाम है पेपर होगा कैसे होगा, या टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कई लोग फॉर्म नहीं भरना चाहते इसी चक्कर में कि एग्ज़ाम कैसे क्लियर करेंगे। यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि इंडिया में कहीं पर भी क्लास नहीं खुली है ना, ना कहीं पर टाइपिंग चल रही है और ना कहीं पर स्टेनो। तो आप सोच सकते हैं कि गवर्नमेंट अगर जब भी कोचिंग क्लास खोलेगी उसके बाद कम से कम 3 से 4 महीने आपको देगी, उसके बाद ही आपका पेपर होगा, ये आपको समझना चाहिए इस बात को। लेकिन क्या है, कई लोग एडमिशन लेने के बाद, एग्जाम फॉर्म का सुनने के बाद, कई लोग अपने गांव पहुंच चुके हैं, नहीं समझ पा रहे इस चीज़ को। ये चीज़ समझने लायक है कि अकेले आप ही नहीं है, आपकी क्लास नहीं है अकेली, इंडिया चल रहा है इसके पीछे, ठीक है ना। जब भी खुलेगा पूरा इंडिया एक साथ में खुलेगा, कोचिंग क्लास, स्टेनो, को जो भी स्कूल कॉलेज हैं सबको एक साथ में खुलेंगे, एक साथ में सबको प्रॉफिट मिलेगा। एकदम से आईटीआई पेपर नहीं करा सकती है, ध्यान देना, है ना। जिन जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा, सलाह ही रहेगी फॉर्म भर लें, जिससे क्या है कि
अगर जो कुछ भी होगा तो इसमें आपको 100% प्रॉफिट रहेगा, नुकसान का 1% भी नहीं रहेगा, अगर आप समझ पाए तो, ठीक है ना? या कई लोगों ने कमेंट्स किए थे इसलिए बताना पड़ रहा है। और संडे क्लास स्पेशल रहेगी इस बार, तो संडे क्लास, जरा ध्यान देना संडे क्लास पर, ठीक है? धन्यवाद।